कि आने वाले चुनाव में हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, हम जितने सारे जुमलेबाज हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आज तीसरी मीटिंग संपन्न हुई और दिन ब दिन इंडिया मजबूत होते जा रहा है। ये बात भी सच है कि जैसे जैसे हम करीब आते जा रहे हैं, एक कदम 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इंडिया के विरोधी दल में घबराहट हो रही है। पहले हमें पूछा जा रहा था कि विपक्ष की एकजुट, और उसी वक्त हमने कहा था कि विपक्ष की एकजुट में नहीं मानता, हम सारे लोग देश प्रेमी हैं और हमारी एकता देश प्रेमियों की एकता है। और हमने हमारे अलायंस का जो नाम लिया है इंडिया, तो अब इंडिया के विपक्ष, इंडिया के विरोधी जो है आप सभी जानते हैं वो कौन है। आज की मीटिंग में अच्छी चर्चा हुई, अच्छे डिसीजन लिए गए, कुछ कमिटीज बनाई गई और हम सारे लोगों ने तय किया है कि आने वाले चुनाव में हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, हम जितने सारे जुमलेबाज हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। और एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं कि हम मित्र परिवारवाद के खिलाफ भी जरूर लड़ेंगे। और वो इसलिए कि मैंने बंगलोर में कहा था कि भारत मेरा परिवार है, हम सब भारतीय हैं तो सारा भारत मेरा परिवार है। परिवारवाद की अगर बात करें तो भारत परिवार छोड़कर इलेक्शन चुनाव के दरमियान एक नारा होता है, मैंने भी सुना था उस वक्त, सबका साथ सबका विकास। चुनाव जीतने के बाद जितने भी जिन लोगों ने साथ दिया सबको लात और अपने मित्रों का विकास, ये मित्र परिवारवाद अब हम चलने नहीं देंगे। और ये लड़ाई दिन ब दिन तेज होती जाएगी।